हेलो दोस्तों, मैं सतीश रंजन आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा 7QC टूल्स के बारे में। 7QC टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको एंड तक देखना, पूरे अच्छे तरीके से समझना। मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कैसे ग्राफ को बनाते हैं। इसके अंदर पैरेटो चार्ट जो होता है, हिस्टोग्राम होता है, कंट्रोल चार्ट होता है, ये कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये कौन कौन से 7QC टूल्स होते हैं और इनमें क्या क्या होते हैं। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। सेवन क्यू सी टूल एक ग्राफिकल टेक्निक होता है जो क्वालिटी से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करता है। इसका यूज एनालाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए करते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं उसको एनालाइज करने के लिए करते हैं। दोस्तों ये जो 7QC टूल होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है, इसका इंडस्ट्री में बहुत ही उपयोग होता है। इसको लगभग हर डिपार्टमेंट के लोग यूज करते हैं, इसमें से किसी न किसी एक का यूज कहीं ना कहीं होता ही है, इसलिए इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसका ग्राफ आपसे डे वाइज या वीकली या मंथली आपसे डाटा कलेक्शन के ऊपर ग्राफ बनाने को बोला जाएगा, कितने डिफेक्ट आ रहे हैं उसके ऊपर आप पैरेटो बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो इसका जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग। दोस्तों जो हमारे 7 टूल्स होते हैं उनमें पहले आता है हिस्टोग्राम, दूसरा पैरेटो एनालिसिस, तीसरा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, चौथा चेक शीट होता है, पांचवा कंट्रोल चार्ट होता है, छठा प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, सातवां स्कैटर डायग्राम होता है। जो पहला टूल होता है हिस्टोग्राम, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है जिसमें डाटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाया जाता है। यह बार चार्ट की तरह ही होता है लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम ग्राफ को कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। तो चलिए हम हिस्टोग्राम को कंप्यूटर में समझते हैं कैसे इसको बनाया जाता है, किस तरीके से डाटा लेकर के हिस्टोग्राम के ग्राफ को बनाया जाता है उसको समझेंगे। तो चलिए देखते। दोस्तों ये हमारी एक्सेल की शीट भूल गई। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें कोई सा भी डायमेंशन की रीडिंग लेनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर 24 रीडिंगें ली हुई है, डायमीटर कोई एक पार्ट की डायमीटर हमने चेक किया है तो ये उसकी रीडिंग हो गई। तो हमें मिनिमम 20 रीडिंग लेनी है, उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ रीडिंग ले ली। फिर इसके बाद क्या होता है, हमें रेंज निकालना पड़ता है। रेंज निकालने के लिए हमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना पड़ता है, तो हमें इसमें मैक्सिमम देखना पड़ेगा, मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 4 है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू 6 हो गया, तो हमारा रेंज निकल गया। अब नंबर ऑफ सेल निकालते हैं हम इसमें। नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए हमें जो डाटा रेंज दिया जाता है उसको, जैसे हमारी रीडिंग 20 से 50 के बीच में है तो हम नंबर ऑफ सेल 6 लेंगे, 51 से 100 के बीच में है तो 7 लेंगे, 101 से 200 के बीच में है तो 8 लेंगे, इस तरीके से ये है। तो इसमें हमारा जो हमने जो रीडिंग लिया है वो 24 है, तो हमारा 24 इसमें आता है, इसलिए नंबर ऑफ सेल 6 हो जाएगा हमारा। उसके बाद दोस्तों क्या सेल विथ निकालते हैं। सेल विथ निकालने का फॉर्मूला है रेंज बाई नंबर ऑफ सेल, तो हमारा रेंज आया था 6 और नंबर ऑफ सेल भी आ गया 6, तो हमारा जो सेल विथ हो गया वो 1 हो गया। तो 1 का मतलब क्या है कि हम जो यहाँ से निकालेंगे ये, उसके बाद हमें सेल ग्रुप निकालना होता है। सेल ग्रुप निकालने के लिए हमारा जो रेंज सेल विड्थ आया वो 1 आया है, इसलिए हम
दो से तीन, तीन से चार, मतलब एक का डिफरेंस होना चाहिए इसमें। तो हमने पहले लिया है, मिनिमम से स्टार्ट किया है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। दो से तीन के बीच में कोई भी डाटा नहीं है, मतलब चार से स्टार्ट है, तो ये इसमें जीरो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तीन से चार, तो चार इसमें एक है, तो फ्रीक्वेंसी एक हो गई। फिर चार से पाँच के बीच में कितने हैं, पाँच कितनी बार आया है, एक दो तीन बार पाँच आया है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी तीन हो गई। पाँच से छः में चार है, तो छः चार बार आया है, तो एक दो तीन चार। इस तरीके से हम सेल ग्रुप को बना लेंगे। उसके बाद जब ये बन जाता है, तो सिंपली हमें इसको कॉपी करना है, इस पे सेलेक्ट करना है, फिर उसके जाके इंसर्ट में जाने के बाद हमें सिंपली ये बार चार्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। इस तरीके से हमारा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दोस्तों, जो हमारा दूसरा टूल होता है वो पैरेटो चार्ट होता है। पैरेटो चार्ट ये एक प्रकार का चार्ट होता है जिसमें दोनों बार और लाइन ग्राफ शामिल होते हैं, जहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है घटते क्रम में बार के द्वारा, और कम्युलेटिव टोटल को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन ग्राफ के द्वारा। इसको इटालियन इकोनॉमिक्स वेलफेयर पैरेटो ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें एक 80-20 रूल होता है जिसको हम समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, 20% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम 80% डॉलर लॉस के कारण होते हैं। इसको हम ग्राफ में समझेंगे कि कैसे 80-20 का रूल काम करता है। इस ग्राफ में हम मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करके पता लगाते हैं कि किस पे हमें ज़्यादा काम करना होता है। चलते हैं एक्सेल की शीट में। आपको ये दोनों बनानी पड़ेगी, डिफेक्ट्स क्या क्या हैं और क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद आप कम्युलेटिव में जाके इसका परसेंटेज निकालेंगे टोटल के हिसाब से। जैसे इसका B3/B11 का मैंने इसका परसेंट निकाला है कितना आएगा, तो B3 ये है, B में 3 नंबर ये, और डिवाइडेड बाई B11 ये है, और परसेंटेज कर दिया तो ये जो 22% आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका भी हमने निकाला B4/B11, B में 4 8 डिवाइडेड बाई B11 में 41। इस तरीके से ये परसेंटेज निकाल लिया। फिर हमने कमलेटी परसेंटेज निकाला है। कमलेटी परसेंटेज के लिए क्या होता है, हम पहले का तो सेम ले लेते हैं, पहले जितना है उतना, दूसरे में हम इतना प्लस इतना, मतलब पहला और दूसरे को ऐड कर देते हैं टोटल कितना आया। फिर इसमें ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, तो फिर ये आ गया। इस तरीके से लास्ट में आपका 100 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारा सॉरी डाटा टेबल बन गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज निकल गया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज वाले कॉलम को हाइड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद बचा है, ये तीन कॉलम बच गए। अब इन सबको सेलेक्ट करके हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जा करके हमें ग्राफ सेलेक्ट करनी है, पहले बार ग्राफ सेलेक्ट करनी है। बार ग्राफ को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये हमारे दो दो बन गए, एक क्वांटिटी का बार ग्राफ बन गया और दूसरा कम्युलेटिव परसेंटेज का। तो हमें पहले क्या करना है, ये रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज में हमारा 120 ये है, इसको हमें 10 कर देनी है, मतलब आपका जितना मैक्सिमम क्वांटिटी है उसके आसपास ही रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करनी है। दूसरा जो कम्युलेटिव परसेंटेज है, इस पे क्लिक करके हमें
इसको सेकेंडरी एक्सिस करनी है। सेकेंडरी एक्सिस कर दिया हमने तो ये आपका इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इसके बाद फिर इस पर क्लिक करके हमें चार्ट टाइप सेलेक्ट करना है। चार्ट में हमें लाइन ग्राफ को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, तो हमारा इस तरीके से पैरेटो बन जाएगा। अब फिर इधर भी जो इसकी लिमिट है इसको भी हमें 100 तक करना है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 तक ही होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से हमें कर देना है 100। ये 20 रहने देते हैं। तो हमारा इस तरीके से बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमें अगर हमें पता करनी है कितना आ रहा है तो हमें ऐड डाटा लेवल कर देना है, ये इतना आ गया, इसमें भी कर देना है। तो आपका इस तरीके से आ गया। तो ये दोस्तों रहा हमारा पैरेटो चार्ट। इस तरीके से पैरेटो चार्ट हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको आप लोग इस तरीके से बनाना। फिर इसमें बहुत कुछ करते हैं, जैसे हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग अलग से डाल देते हैं, नीचे डाटा टेबल भी बन जाता है, उस हिसाब से आप लोगों को ये बना देनी है। दोस्तों जो हमारा तीसरा टूल होता है वो चेक शीट होता है। चेक शीट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज हम डाटा कलेक्शन के लिए करते हैं, जो कि सही समय रियल टाइम में उस लोकेशन पर जहाँ पर डाटा जनरेट हो रहा हो वहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये डाटा दो तरीके से लेते हैं, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, जिसका एग्जांपल ये रहा। दोस्तों अब हम बात करते हैं चेक शीट के बारे में। जो हमारा चेक शीट होता है कुछ इस तरीके का होता है या इससे अलग भी होता है। चेक शीट का मतलब है डाटा कलेक्शन करने का तरीका, किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें लिया गया है कि डिफेक्ट टाइप्स, बॉटल्स ब्रोकन, कैप लूज, मिसिंग लेबर, डर्ट, रॉन्ग ऑर्डर, डैमेज वाइल पैकिंग, ये सारे डिफेक्ट्स हो गए हैं। अब ये ओकरेंस कब कब हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को 2 आया, बटल ब्रोकन, इस तरीके से करके हम टोटल इस तरीके से एक चेक शीट बनता है जिसमें हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा ये डाटा है जी आज का। दोस्तों जो हमारा चौथा टूल है उसको फिशबोन डायग्राम बोलते हैं। फिशबोन डायग्राम को हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं या इसी कवर डायग्राम भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले कोरो इसी कवा ने 1940 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में डेवलप किया था। फिशबोन डायग्राम में हम ये पता लगाते हैं कि एक प्रॉब्लम के कितने पॉसिबल कॉज हो सकते हैं। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमारे प्रॉब्लम का यह भी कॉज हो सकता है। बहुत सारे कॉज निकलने के बाद लास्ट में हमें एक रूट कॉज मिलता है जिस पे हम काम करके अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। फिशबोन डायग्राम का यूज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के लिए भी करते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हम फिशबोन डायग्राम का यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको ग्राफ में समझते हैं, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसमें 6M एक टेक्निक होता है जिस पे ये आधारित होता है, जिसमें कि 6M में आते हैं हमारा पहला मैन पावर, मेथड, मशीन्स, मटेरियल, मेजरमेंट, मदर नेचर या इन्वायरमेंट बोल। तो दोस्तों हमारा जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है वो इस तरीके से बनता है कुछ। इसमें एक डिफेक्ट के बहुत सारे पॉसिबल कॉज निकालते हैं जिसमें हम 6M का यूज करते हैं, पीपल, मटेरियल, मेथड, इन्वायरमेंट, मेजरमेंट, मशीन, ये सारे इसमें आते हैं। अब उस डिफेक्ट से हम बारी बारी से सबके ऊपर जाते हैं और ब्रेन स्ट्रोमिंग करके पता लगाते हैं कि क्या इससे रिलेटेड ये इशू आ सकता है या नहीं। तो ये पॉसिबल कॉजेज होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। जैसे आप पीपल का ले लो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, टाइम अवेलेबिलिटी, नो सेंस ऑफ इम्पोर्ट, इस तरीके से पॉसिबल कॉज हम निकालते हैं इनके।
तो हमारा पांचवा जो टूल है वो होता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट को हम सेव आर्ट चार्ट भी बोलते हैं या प्रोसेस बिहेवियर चार्ट भी बोलते हैं। यह एक ग्राफ है जिसमें हम स्टडी करके करते हैं कैसे टाइम के साथ प्रोसेस चेंज होता है। इसमें तीन तरह के लाइन का यूज होता है। पहला होता है सेंटर लाइन जो एवरेज के लिए होता है, दूसरा होता है अपर लाइन जिसको हम अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं, और तीसरा होता है लोअर लाइन जिसको लोअर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोसेस वेरिएशन कंट्रोल में है या ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जिसको हम ग्राफ में समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे हमारा चल रहा है, ये कितने तरह के ग्राफ बनते हैं जिसमें हम कैसे कैसे क्या कौन सा ग्राफ हमारा ओके है कौन सा गलत है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम कंट्रोल चार्ट को एक्सेल की फाइल में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डाटा कलेक्शन करना होता है। सैंपल साइज 5 हो गए हमारे, उसमें ये सब सैंपल होते हैं जो कि हमारे 15 हैं, 15 बार हमने रीडिंग ली हुई है इसकी। तो इस तरीके से आपको डाटा कलेक्ट कर लेना है, जो भी हो आपका डायमीटर हो, आईडी हो, ओडी हो, उस तो इस तरीके से आपको डाटा कलेक्ट करके रख लेनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब एक्स बार। दोस्तों इसमें कंट्रोल चार्ट में दो तरीके के चार्ट बनते हैं, एक एवरेज चार्ट और एक रेंज चार्ट बनता है। तो हमें एवरेज चार्ट निकालते हैं, पहले इसकी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज के लिए एक्स बार का फॉर्मूला होता है, ये सबको हम पहले जोड़ लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं ये कितने हैं। जैसे इन सबको जोड़ लिया और ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाकर एक्स बार निकाल लेंगे हम। फिर रेंज निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला होता है मिनिमम माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम 5.5 है, मिनिमम 5 है, तो इस तरीके से हमारा 0.5 आ गया रेंज। इस तरीके से हम सबकी निकाल लेते हैं, सारे कॉलम की निकाल लेते हैं 15 के 15। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज का। एवरेज एक्स डबल बार और आर बार, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय ये कितने हैं, तो 15 है, तो उस हिसाब से ये निकल जाएगा एक्स डबल बार और आर बार। इसके बाद हम कंट्रोल लिमिट निकालते हैं। कंट्रोल लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए आर बार चार्ट के लिए फॉर्मूला होता है अपर कंट्रोल लिमिट, आर का फॉर्मूला होता है D4 इंटू आर बार। ये जो डाटा है आपको इस टेबल से मिलेगा। ये टेबल कंट्रोल चार्ट का एक टेबल होता है जिसमें से आप नंबर ऑफ सैंपल के हिसाब से निकालेंगे। जिस तरीके से हमारा नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पे 5 है, तो उस हिसाब से हम 5 नंबर ऑफ सैंपल लेके D2, A2, D3, D4 की जो वैल्यू है हम उसको यहाँ से ले लेते हैं। तो अब हमारा ये UCLR का फॉर्मूला है D4 इंटू आर बार। तो यहाँ से D4 की वैल्यू ले लेंगे हम 2.114 इंटू आर बार। तो आर बार हमारा यहाँ आया था 0.4, तो इस हिसाब से हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब लोअर कंट्रोल लिमिट लेंगे तो लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है D3 इंटू आर बार। तो D3 यहाँ से लेंगे तो वो 0 है, तो R बार 0.4, तो 0 से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह हम X बार चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ले लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है अपर कंट्रोल लिमिट का X डबल बार प्लस A2 इंटू R बार। तो X डबल बार हमने कहाँ से निकाला था, ये निकाला था सम ऑफ एवरेज, मतलब इन सब का एवरेज क्या एवरेज निकाला था। तो एक्स डबल बार ये है, एक्स डबल बार प्लस ए टू इंटू आर बार, तो इसमें ए टू की वैल्यू आ जाती है 0.577 इंटू आर बार।
आर बार 0.4, तो इतना कर देंगे तो हमारा 5.421 आ जाएगा। इसी तरह LCL ले लेंगे हम, LCL एवरेज चार्ट के लिए निकाल लेंगे तो हमारा इतना आ गया। अब हमें क्या करते हैं, अब चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए हम पहले रेंज चार्ट बनाते हैं, आर चार्ट बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो आर आया था, आर की वैल्यू आई थी, जो ये 15 सब ग्रुप से आया था हमारा आर की वैल्यू ये, तो इसको पहले हम ले लेंगे। उसके बाद UCL हमारा कितना आया था, ये आया था 0.846, तो इसको हम ले लेंगे, सारे रीडिंगों में हम भर देंगे इसको। फिर आर बार आया था 0.4, जो ये आया था आर बार 0.4, इसको भी हम ले लेंगे। और LCL जो 0 आया था इसको भी हम ले लेंगे। और फिर इन सबको सेलेक्ट करने के बाद हम इस ग्राफ में पुट कर देते हैं, लाइन ग्राफ बना लेते हैं इसका, जिसमें ये हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इस तरीके से आ जाता है, जिसमें जिसमें हमारा शो करता है जो आर है, आर की रीडिंग है ये ब्लू वाली शो कर रही है, जितने भी हमने 15 रीडिंग आई है हमारी। और ये है अपर कंट्रोल लिमिट, जो हमारा आया था 0.846, तो 0.846 के पे ये ऐसी लाइन खींच गई है, अपर कंट्रोल लिमिट है। और आर ये रेंज है, ये मतलब एवरेज, एवरेज की लाइन है जो मिडिल लाइन होती है, और ये लोअर कंट्रोल लिमिट है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा दोस्तों। अब हमारा जो छठा टूल है उसको प्रोसेस फ्लो डायग्राम बोलते हैं, PFD भी बोलते हैं। यह एक पिक्चर होता है जिसमें सीक्वेंस से प्रोसेस के स्टेप को दर्शाया जाता है। यह एक जेनेरिक टूल है जो बहुत सारे पर्पस के लिए उपयोग में लाया ला सकते हैं। इसका हम उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं। इसमें कार्य करने का क्रम, मटेरियल, सर्विस का एंट्री और एग्जिट, डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, ये सभी आते हैं, जिसका एक सिंबल होता है जिसको हम अलग से समझते हैं। चलिए ग्राफ में समझते हैं ये कैसे काम करते हैं, क्या सिंबल होते हैं, किस तरीके से ग्राफ को बनाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें स्टार्ट से लेके एंड तक के प्रोसेस स्टेप को दर्शाया जाता है, जिसमें हमारा स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रोसेस स्टेप है, प्रोसेस स्टेप, प्रोसेस स्टेप। मतलब ये प्रोसेस स्टेप का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, जिसका सिंबल आयताकार होता है। अगर ये इस तरीके से कहीं पे भी रहता है तो आप समझ लो वहाँ पे कोई ऑपरेशन या प्रोसेस हो रहे हैं। उसके बाद आता है डिसीजन, जो डिसीजन का मतलब ये है कि जो ये पार्ट प्रोसेस हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन होने के बाद ओके है कि एनजी है, फिर इसका डिसीजन लिया जाएगा। अगर ओके है तो अगले प्रोसेस में जाएगा, एनजी है तो अगले प्रोसेस में जाएगा, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस है, फिर उसके बाद एंड हो गया, मतलब फाइनल कंप्लीट हो गया। आप पिक्चर के बाएं तरफ में देखेंगे ये कुछ तरीके के सिंबल बनाए गए हैं, जैसे कि आयताकार है तो प्रोसेस स्टेप है, ये डिले का सिंबल है, ये डिसीजन का सिंबल है, ये स्टोरेज का सिंबल है। इस तरीके के सिंबल का यूज होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। दोस्तों हमारा जो आखिरी और सातवां टूल्स है उसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, जिसको स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ, कोरिलेशन चार्ट भी बोलते हैं। यह आइडेंटिफाई करता है एक प्रोसेस में दो वेरिएबल एक दूसरे से कैसे रिलेट है। हम इसमें दो वेरिएबल को दर्शाते हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। स्कैटर डायग्राम यूजफुल होता है जब एक वेरिएबल मेजरमेंट मेजरेबल हो तथा दूसरा नहीं, तब इसका हम यूज करते हैं। चलिए ग्राफ में समझते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा स्कैटर डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप्स के बनते हैं, जिसमें कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टेम्परेचर, टेम्परेचर 30, 40,
45, 60, 70 इस तरीके से हमने टेम्परेचर को ले लिया। अब इसमें वाई एक्सिस में जैसे लाइफ होती है, लाइफ कितनी लाइफ है, कितने लोग इतने टेम्परेचर के बीच में रहते हैं, उस तरीके से ये ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ जैसे आप ए में समझेंगे कि ये ग्राफ बताता है कि हमारा जो रिलेशन है वो पॉजिटिव एंड लीनियर है, मतलब ये बढ़ते क्रम में जा रहा है बिल्कुल एक सीधी रेखा में। और जो दूसरा होता है वो निगेटिव एंड लीनियर है। निगेटिव कैसे है, क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है और एक ही सीध में है इसलिए लीनियर है। और जो हमारा तीसरा है, तीसरा निगेटिव नॉन लीनियर, ये निगेटिव है क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है। और नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में नहीं है। जो हमारा चौथा टाइप्स होता है वो नो रिलेशन, क्योंकि ये कोई सीधी रेखा में नहीं है, कहीं घटते क्रम या बढ़ते क्रम या कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए नो रिलेशनशिप होते हैं। तो ये चार तरह के स्कैटर डायग्राम होते दोस्तों, हैं। दोस्तों ये थे हमारे सात टूल्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है, दिक्कत आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।